स्वाधीनता दिवस के पूर्व संध्या पर नौगांव लायंस क्लब के सभागार में पूर्वोत्तर संस्कार भारती तथा माधव सत्र न्यास के बैनर तले ऑनलाइन के माध्यम से एक साम राष्ट्रभक्ति के नाम शीर्षक बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में राज्य के विभिन्न जिलों के साथ शिलोंग, सिक्किम तथा गुजरात के कवियों ने भी ऑनलाइन के जरिए कवि सम्मेलन में शिरकत कर राष्ट्रभक्ति का पैगाम अपने कविताओं के माध्यम से दिया। ऑनलाइन के जरिए आयोजित इस कवि सम्मेलन का गीतार्थ कुसरे, अर्धना महतो, निरंजन बोरा, कैलाश साहू और अंशुमान बोरा ने सफल मंच संचालन कर कार्यक्रम में निखार ला दिया। तो वही जाने माने कवि निसार भाई ने गायकी अंदाज में अपने स्वरचित कविता सुनाकर तिरंगा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा भाव को दर्शाया। नौगांव महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शरद बरकटरी द्वारा शुरू हुई इस कवि सम्मेलन में करीबन 20 विभिन्न भाषा भाषियों के कवियों ने अपने अपने कविता सुनाकर तिरंगा को नमन किया। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। वो है देशभक्ति का, देश प्रेम का, और हम उन वीरों को, उन हमारे पूर्वजों को हम आज नमन किया है, और दोबारा हम उन व्यक्तियों को याद दिलाने के लिए हमने प्रयास किया है। ये एक नाम मात्र प्रयास है। हम नौगांव की ओर से समग्र असम राज्य को लेकर के भारतवर्ष में यह फैलाना हम चाहते हैं कि स्वाधीनता हमको जिस त्याग के, जिस बलिदान के थ्रू हमको मिले और उनको हम बरकरार रखने का प्रयास हमने जारी रखा। धन्यवाद। दिलीप शर्मा जी, आपने देखा स्वाधीनता दिवस किस प्रकार से मनाने का उद्देश्य क्या था। आज हमारे बीच है पूर्वोत्तर संस्कार भारती के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रमुख, इस कार्यक्रम के अन्य एक सफल आयोजनकर्ता श्रीमान डॉक्टर धनंजय कुसरे जी। हम जानना चाहेंगे आपके विचारों को, आज हम साझा करना चाहेंगे कि भारतीय की आज़ादी में जो शहीदों की जो बलिदान रही है, जो शहीद वेदी पर आपने माल्यार्पण किया, इसका क्या संदेश आप भारतवासियों को देना चाहते हैं। आज का सर्वभाषी कवि सम्मेलन ये किस उद्देश्य से आयोजन हुआ, यह भी आपसे हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। 14 अगस्त ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी दिन भारत का विभाजन हुआ, ये देश दो टुकड़ों में बटा। हम कवि, देशभक्त कवि हैं, हम राष्ट्रभक्ति भक्ति के बारे में बात करते हैं। हम मानते हैं जब तक देश रहेगा तब तक हमारी संस्कृति रहेगी, और जब तक संस्कृति रहेगी तो हमारी जाति भी बची रहेगी। तो देश बचाना हमारा एक कर्तव्य है। और दूसरी बात, 14 तारीख को ये देश का बंटवारा हुआ था, हम अभी भी उस दिन को याद करें। सिर्फ जो टुकड़ा मिला है वही हमारा नहीं है, इसके अलावा भी हमारा देश इतना बड़ा था। और भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि आगे भी हम जा करके इस देश को भी हम अपना कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति ही देश को जोड़ती है। और उसी सिंधु संस्कृति और सिंधु सभ्यता से ये हिंदू शब्द बना है, हिंदू से हिंदुस्तान बना है। इसलिए कवियों के कवि हृदय जो सिर्फ एक संवेदनशील एक कवि हृदय होता है, वो इस देश के लिए, इस माटी के लिए कुछ पुकारे और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे, इसका एक उद्देश्य बहुभाषी कवि सम्मेलन। एक बहुभाषी इसलिए है, भाषा अलग है लेकिन दिल का तार एक है, सभी के विचार एक है, और इसी एकात्मता के भाव को प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। यही इसका एक मूल थीम कह सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज़ादी की जश्न आपने सुना। सर्वभाषी कवि सम्मेलन का जो उद्देश्य रहा है, सर्वहिताय सर्व सुखाय, सही में यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी भारतीयों के सर को ऊंचा करता है। धन्यवाद। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट।